good morning and welcome back in our Sri GM Donda Primary School and myself Chignya Tiveri. So kids, आप सब लोगों ने दिवाली और न्यू ईयर को बहुत ही अच्छी तरीके से enjoy किया होगा, right? So from today we are going to start in our English Canopy Term 2, Chapter Number 2. Shh, shh means what? ये shh जो है वो क्या है? Shh means a way of saying be quiet. यानी इसका मतलब है आपको चुप रहना है, यानी quiet, शांत रहना है. Okay? So in this chapter we will learn about the story of Kavya and Rohan and about her mother, right? तो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की काव्या है, उसका भाई है रोहन है और उसकी मम्मा है, राइट? तो यहाँ पर ये स्टोरी के बारे में इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ वार्म अप एक्सरसाइज. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन हेल्पिंग देयर मदर. डू यू हेल्प योर पेरेंट्स? हाउ डू दे फील अबाउट दिस, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिक्चर हमें दिया गया है. इस पिक्चर के अंदर चिल्ड्रन है, यानी बच्चे हैं, वो अपनी मम्मा को हेल्प कर रहे हैं किचन के अंदर. तो बच्चों, आप भी अपने पेरेंट्स को घर पे हेल्प करते हो, राइट? जब आप हेल्प करते हो तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं? उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा, राइट? क्योंकि आप उसको इतना हेल्प करते हो, कोऑपरेट करते हो, तो पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगता है. ओके, सो यहाँ पर भी इस चैप्टर में काव्या है और रोहन है, वो अपनी मम्मा को इसी तरह से कुछ हेल्प करना चाहते हैं. तो चलो जानते हैं इस चैप्टर में के काव्या और रोहन अपनी माँ को कैसे हेल्प करते हैं. लेट्स स्टार्ट. रीड अबाउट हाउ काव्या एंड रोहन प्लान टू सरप्राइज देयर मदर. यानी यहाँ पर काव्या एंड रोहन है, वो अपनी माँ को एक सरप्राइज देना चाहते हैं. तो वो सरप्राइज क्या है? इट वॉज क्वाइट इन द हाउस. मदर वॉज स्लीपिंग. शी वॉज टेकिंग अ नैप. द बेबी वॉज स्लीपिंग. ही वॉज टेकिंग अ नैप टू. यानी यहाँ पर हमें कहा गया है कि इस चैप्टर के अंदर काव्या एंड रोहन है, वो अपनी मम्मा को क्या देना चाहते हैं? सरप्राइज. तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि घर है वो बिल्कुल शांत है, राइट? घर था वो बिल्कुल शांत था. तो काव्या एंड रोहन एक दूसरे को कहते हैं कि यानी बी क्वाइट, आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी है, राइट? मदर थी वो तो सो रही थी, टेकिंग नैप. नैप यानी जब हम दिन में नींद करते हैं, यानी दिन में थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नैप. तो मदर थी वो दिन में सो रही थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी. और मदर के साथ बेबी वॉज स्लीपिंग टू, यानी उसका छोटा बेबी था वो भी मदर के साथ सो रहा था. ओके, ही वॉज टेकिंग अ नैप टू, यानी जो छोटा बेबी था वो भी दिन में सो रहा था. ड्रिप ड्रिप वाटर वॉज ड्रिपिंग इन टू द सिंक वॉज फुल ऑफ डिशेस. यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैप के अंदर से पानी का आवाज़ है वो आ रही थी, टिप ड्रिप ड्रिप, यानी पानी है वो टपक रहा था. और यहाँ पर सिंक के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिशेज यानी बर्तन है वो पड़े थे और पानी की आवाज़ आ रही थी. और मदर और ये छोटा बेबी है वो टेकिंग अ नैप, यानी वो सो रहे थे. ओके, तो काव्या एंड रोहन है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं. लेट्स सी मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ वे ऑफ सेइंग बी क्वाइट, यानी चुप रहना है, राइट? उसको हमेशा हमें कहते हैं श. देन नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे. यानी जब हम दिन के समय में थोड़ा सा सोते हैं यानी रेस्ट करते हैं, तब उसको बोलते हैं नैप. देन ड्रिपिंग मीन्स फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, यानी पानी या कुछ जैसी लिक्विड थिंग्स है जो ड्रिप यानी ड्रॉप की तरह से फॉल पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ड्रिपिंग. देन सिंक मीन्स अ लार्ज स्टील बेसिन वेयर वी वॉश आवर हैंड्स और डिशेस. यानी सिंक यानी एक वॉश बेसिन होता है स्टील का, जहाँ पर हम अपने हैंड और
डिशेस है वो वॉश करते हैं। तो वो सब तो हमें पता है कि सिंक तो हमारे किचन में है, होता ही है, राइट बच्चों? तो चलो देखते हैं आगे। डू यू थिंक वी कैन, विस्पर काव्या। तो काव्या कहती है कि रोहन से कि तुम ऐसा सोचते हो कि हम ये कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन, रोहन विस्पर बैक। रोहन है वो उसको विस्पर बैक मीन्स धीरे से उसको कहता है कि यस, मैं सोचता हूँ कि हम ये कर सकते हैं। काव्या वॉश द डिशेज, रोहन ड्राइव थेम, ऑल द डिशेज वेर शाइनी क्लीन एंड ड्राई। Then Rohan stood on a chair and opened the cupboard. Kavya gave him the dishes one by one and Rohan put them in their right place. But just as he took the last dish, the big red jam jar, it slipped out of his hand. Kavya tried to catch it, but it slipped out of her hands as well. Right? So, यहाँ पर रोहन कहता है कि हम कर सकते हैं, तो उसके बाद में दोनों भाई बहन यानी आवाज़ नहीं करनी है, ऐसा एक दूसरे को इशारे से कहते हैं। और उसके बाद काव्या है वो वॉश बेसिन के अंदर सारी डिश है वो वॉश यानी क्लीन कर देती है, धो देती है। और रोहन है वो सारी डिश को सुखा देता है, कपड़े से पोंछ लेता है, और उसके बाद सारी डिश को वो शाइनी और एकदम क्लीन और ड्राई करके चेयर पर स्टूल रोहन है वो चेयर पर चढ़ जाता है। और उसके बाद कपड़ को ओपन करके सारी डिश एक एक करके वन बाय वन सारी डिश वो रोहन कपड़ में रख देता है, जो जहाँ पर जिस प्लेस पर उसकी सही जगह पर है वहाँ पर वो सारी डिशेस रख देता है। लेकिन जस्ट एज ही लुक टुक द लास्ट डिश, यानी जब उसके हाथ में जब लास्ट डिश होती है तब उसके हाथ से एक बिग यानी एक बड़ा रेड जैम का जार होता है, यानी जैम का जार होता है, राइट? वो है वो उसके हाथ से फिसल जाता है। तो काव्या है वो बहुत ट्राई करती है कि वो उसको कैच कर ले यानी पकड़ ले, लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो रेड जैम का जार है वो गिर जाता है। हियर वी कैन सी काव्या है वो ये सारी डिशेस है वो साफ कर रही है, राइट? ये सिंक के अंदर वो डिशेस सारी साफ करके अपने भाई को दे रही है। डू यू थिंक वी कैन, विस्पर काव्या। काव्या बोलती है कि तुम ऐसा सोचते हो कि हम कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन, रोहन विस्पर बैक। रोहन कहता है कि यस वी कैन। क्रैश, व्हाट अ लाउड नॉइस इट मेड। It woke the baby from his nap and he began to cry. It woke mothers from her nap. She picked up the baby and came into the kitchen, but she did not say, "Oh, you have broken my red jam jar." She said, "Oh, you have washed all the dishes. This is so sweet of you. Thank you, children." यानी यहाँ पर जब ये सारी डिशेस रख रहे हैं तो रेड जैम जार है वो नीचे गिरता है, तो आवाज़ बहुत ही बड़ी उसकी आवाज़ है वो नॉइस यानी लाउड क्रिएट करती है, उसकी क्रैश ऐसी गिरने की आवाज़ आती है। सो उसकी आवाज़ से बेबी है वो नींद से उठ जाता है यानी जग जाता है, तो उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। तो बेबी जब रोता है तो उसकी आवाज़ से मम्मी भी नींद से उठ जाती है। उसके बाद मम्मी है वो अपने बेबी को उठा लेती है और उसके बाद मम्मी किचन में आती है, लेकिन मम्मी है वो उन दोनों को भाई बहन का कुछ भी नहीं बोलती कि अरे तुमने तो ये मेरा रेड जैम का जार तोड़ दिया, ऐसा मम्मी कोई वर्ड यूज़ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। बल्कि मम्मी तो कहती है कि अरे तुम दोनों ने सारी डिशेस वॉश कर दी यानी सारे बर्तन साफ कर लिए, धो दिए, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू, कि आप दोनों कितने अच्छे हो, थैंक यू चिल्ड्रन। और मम्मी दोनों बच्चों का आभार व्यक्त करती है यानी कहती है कि थैंक यू। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मम्मी है वो अपने छोटे बेबी को लेकर किचन में आती है। ये बेबी है वो जो जाम गिरता है तो जाम का जार की आवाज़ से वो उठ जाता है।
मीनिंग विस्पर्ड मीन्स स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस सो दैट अदर पीपल कुड नॉट हियर वॉट वॉज बींग सेड. ड्राइड मीन्स वाइप्ड अवे द वॉटर ऑन द डिशेज यूजिंग अ टॉवेल. यानी कोई भी डिशेज या कोई भी वेसल्स को हम टॉवेल या कुछ कपड़े से उसको सुखा देते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइड, यानी सुखाना. देन स्लिप्ड आउट मीन्स फेल आउट, यानी गिर जाता है वो. नेक्स्ट, मदर पुट द बेबी इन द हाई चेयर एंड हग्ड काव्या एंड रोहन. उसके बाद मामा है वो अपने छोटे बेबी है उसको एक ऊंची चेयर पर बिठा देती है और उसके बाद काव्या और रोहन को गले लगा लेती है. Then she picked up a broom and swept a broken piece away. उसके बाद मामा है वो broom यानी झाड़ू लेकर जहाँ पर वो red jam jar के सारे glass के pieces बिखरे हुए थे टूटे हुए उसको वो साफ कर लेती है. She told Kavya and Rohan that she would make some cookies for them as a prize. उसके बाद मामा है वो Kavya और Rohan को कहती है कि मम्मा ने काव्या और रोहन के लिए थोड़े कुकीज़ यानी बिस्किट्स होते हैं उसको बोलते हैं कुकीज़. तो मम्मा को काव्या और रोहन के लिए कुकीज़ बनाने हैं फॉर देम एज ए प्राइज, यानी ये उसके लिए गिफ्ट है एज अ प्राइज. काव्या एंड रोहन वेर वेरी एक्साइटेड. तो ये सुनकर काव्या एंड रोहन है वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं. नेक्स्ट, So mother took out a big bowl, some sugar, flour and 3 eggs. She mixed them together and put them in the oven to bake. Soon the round crispy cookies were ready. उसके बाद मामा है वो एक बड़ा सा बाउल लेती है राइट, और उस बाउल के अंदर थोड़ी शुगर, थोड़ा फ्लोर यानी आटा और उसके बाद 3 eggs यानी 3 अंडे डालकर इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से वो मिक्स कर देती है. मिक्स करके उसको एक प्लेट में डालकर वो ओवन के अंदर बेक करने के लिए रख देती है. सुन द राउंड क्रिस्प कुकीज़ वेर रेडी. उसके बाद थोड़ी देर में ये कुकीज़ है वो ओवन के अंदर बेक हो जाती है और उसके बाद राउंड यानी गोल गोल क्रिस्पी कुकीज़, टेस्टी कुकीज़ तैयार हो जाते हैं काव्या और रोहन के लिए. मम्मा ने ये सरप्राइज मीन्स एज अ प्राइज रखा था और मम्मा काव्या और रोहन के लिए बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बनाती है. तो वो दोनों भाई बहन काव्या एंड रोहन बहुत ही खुश हो जाते हैं. हियर लेट्स सी मीनिंग. ब्रूम मीन्स अ काइंड ऑफ ब्रश विथ अ लॉन्ग हैंडल यूज्ड फॉर क्लीनिंग द फ्लोर. Then swept the broken pieces away means remove the pieces with the broom to clean the place. Then flour means powder made from rice or wheat and used to make cake or chapatis. Then crisp means hard and dry. Cookies means American word for small flat biscuits. Cookies है means ये American word है जो small यानी छोटे छोटे flat biscuits के लिए use होता है. तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि मम्मा है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि काव्या और रोहन यानी दोनों भाई बहन ने अपनी मम्मा की किस तरह हेल्प की, वो भी घर के अंदर बिना आवाज़ किए राइट. और मम्मा है वो रेड जैम है वो जार का टूट जाता है फिर भी मम्मा है वो उससे गुस्सा नहीं होती, लेकिन वो अपने बच्चे को थैंक्स कहती है और उनके लिए कुकीज़ भी बनाती है. तो इसी तरह बच्चों को अपनी मम्मा को सरप्राइज देकर बहुत ही खुश थे और मम्मा भी अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश थी कि बच्चों ने मम्मा की हेल्प की तो मम्मा उसके लिए खुश होकर टेस्टी कुकीज़ बनाती है. तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने पेरेंट्स की घर के अंदर मदद करनी चाहिए राइट. आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा. वी विल मीट इन नेक्स्ट इंग्लिश सेशन. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.